Today is very auspicious day. Today is the auspicious, super duper auspicious appearance day of our Ishtadev. Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Gaur Purnima Maha Mahotsava ki jai. So aaj hamare Ishtadev Shri Gauranga Mahaprabhu ka avirbhav divas hai. To aap sabko hardik shubhkamnaen. तो आज नया साल भी है. एक्चुअली हम जो गौड़ी वैश्य, हमारा खुद का कैलेंडर भी है, उसको बोलते हैं गौराब्ध. इट इज गौराब्ध कैलेंडर. सो दिस इज 538th ईयर, गौराब्ध ईयर फॉर एस्पेशली द गौड़ीय वैष्णव डिवोटीज. सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी गौरंग कॉन्शियस न्यू ईयर. जिससे आज आप एक दूसरे को ये विश करिए, हैप्पी गौ पूर्णिमा विश करेंगे और साथ ही बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर. ठीक है जी. एक वो न्यू ईयर होता है जो कि रात को 12 बजे होता है, जिसमें चुड़ैलें एक्टिव होती हैं रात को. वोला न्यू ईयर भी है जिसमें पतझड़ छाया होता है, प्रकृति सुखी दुखी होती है, उसमें बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर. पर ना उसमें लोग हैप्पी होते हैं, ना उसमें कुछ न्यू होता है, और ईयर तो एज इट इज वही पुराना चल रहा है. तो इसलिए ये है हैप्पी न्यू ईयर. प्रकृति खिली खिली है. ये इस वक्त हम देख रहे हैं जो सुबह का समय है, विच इज ब्रह्म मुहूर्त का समय है. This is the time that we should wish each other happy new year. So wishing all of you a very very Gauranga conscious happy new year. So God Purnima Utsav Maha Mahotsav ki jai. तो बहुत ही विशेष दिन है. श्रीमती राधा रानी आती हैं अष्टमी के दिन आधा चांद. कृष्ण भी आते हैं अष्टमी के दिन आधा चांद. दोनों मिल गए, हो गई पूर्णिमा. हैप्पी गौर पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू. So, वैसे भगवान है राधा कृष्ण, लीला के लिए बन जाते हैं राधा और कृष्ण, और फिर जब वापस मिल जाते हैं तो बन जाते हैं गौरंग महाप्रभु. सो 1 = 2 = 1, ये है हमारे स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स. ठीक है जी. तो इसलिए महाप्रभु का आना मीन्स राधा कृष्ण का कंबाइंड फॉर्म है श्री गौरंग महाप्रभु. और बाकी सबका गुणगान हमें करना चाहिए, नो डाउट. भगवान कृष्णा करें, द्वापर युग के भगवान है वो जी, बहुत बड़े बात है. धन्यवाद. जय हो जय हो. त्रेता युग के भगवान राम जी, जय हो जय हो. सत्य के भगवान नरसिंह भगवान जी, जय हो जय हो. और हमारे कलयुग में हमारे लिए कौन आए? श्री गौरंग महाप्रभु की जय. तो बाकी सबकी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, पर गौरंग महाप्रभु की जय हो. बाकी सबकी तो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, गौरंग महाप्रभु की जय हो. क्योंकि हमारे लिए कौन आए? श्री गौरंग महाप्रभु आए वास्तव में, राइट. तो इसलिए महाप्रभु की शरण में जाना चाहिए हमें. महाप्रभु के बिना सिद्धि नहीं है जी, बिना महाप्रभु के. तो इसीलिए गौर फरमाइए, गौर के हो जाइए. हमारा बड़ा सौभाग्य इसलिए भी है बिकॉज श्री गौरंग महाप्रभु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार. अदरवाइज गौर नारायण आते हैं, सो वो आपको वैकुंठ लेकर के जाते हैं. लेकिन अगर आपको जाना है गोलोक वृंदावन, तो उसके लिए आते हैं श्री गौरंग महाप्रभु. ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब है चतुर्युग मल्टीप्लाई बाय 1000. उतने में सिर्फ एक बार ही दरवाजा खुलता है गोलोक वृंदावन का, और अभी वो दरवाजा खुला है बिकॉज ऑफ श्री गौरंग महाप्रभु. और ऐसे गौरंग महाप्रभु के सेनापति भक्त के हम पोते हैं. क्या सौभाग्य हमारा. इसलिए कभी आप किसी वैसे गुमसुम हो, उदास हो, क्या यार जिंदगी तुम्हारी एकदम झंड ही है, मूर्ख है हम तो. तुम वाकई में झंडू बाम ही हो वाकई भाई. ऐसे गौरंग महाप्रभु जो कि युग अवतार भी हैं और साथ ही लीला अवतार भी हैं, जो गोलोक वृंदावन का दरवाजा खोलने के लिए हमारे पास आए हैं, खोल के दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ऐसे महाप्रभु के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी के हम हैं पोते. कितना बड़ा सौभाग्य हमारा. हमको भी नहीं पता, हम इतने लल्लू लाल हैं इस जगत के अंदर, हमें भी नहीं पता हमारा कितना बड़ा सौभाग्य. हम उदास ऐसे पंकज उदास बन के, मनहर उदास बन के यहाँ वहाँ घूम रहे. अरे यार छोड़ो यार, काय को उदास, बनो महाप्रभु के दास. मेरे पीछे सब बोलेंगे, सब चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास, चैतन्य रदास मुई तारदास रदास. तो ये हमारी आइडेंटिटी है कि हम चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हैं. हम तो उनके दासों के दासों के दासों के दास हैं, तभी तो हम बिंदास हैं.